गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, ये CIL अवेयरनेस का पार्ट टू है। हम लोग सेक्शंस में डिवाइड करके चल रहे हैं। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा कि हमारी कोल इंडिया में क्या-क्या चीजें चल रही हैं प्रेजेंट में, कहाँ-कहाँ से क्या उसकी अचीवमेंट थी, क्या नई नई चीजें उसने लॉन्च की। एक तो वो हो जाता है, ठीक है, कि कोल इंडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए कि करंट में वो क्या काम कर रहा है। उसके बाद आपका आता है दूसरा पॉइंट कि हमारे जो कोल इंडिया की सब्सिडरीज हैं उनका क्या है, कैसा है, क्या रोल है, कैसे काम कर रही है ना, कितनी माइंस हैं, ये सारी जानकारी हमें उनके बारे में भी होनी चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस टाइप से है, ठीक है। जो तीसरा पार्ट होगा अपन का, उसमें आपका जो जितने भी माइंस में एक्सीडेंट्स हुए हैं आज तक, शुरू से लेके आज तक, उन सभी का हम शॉर्ट एंड स्वीट में देखेंगे कि हाँ किस प्रकार से हमारा केस स्टडीज क्या क्या हैं, क्या एक्शंस लिए। उसके बाद हो सकता है अगर अच्छे से डाटा मुझे मिल गया तो मैं उसमें फिर आपका कि हर एक केस स्टडी के बाद गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आज दूसरा पार्ट है जिसमें कि हम सब्सिडरीज के बारे में देखेंगे कि हमारी कोल इंडिया की सब्सिडरीज का क्या है, कहाँ किसका हेडक्वार्टर है, कौन CMD है, ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पर आज के लेक्चर में देखना है। शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर रहेगा, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में या वीडियो देखने में कभी भी दिक्कत ना जाए, याद रखने में भी आसान रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हमारा SECL से, ठीक है। अब SECL में आपका ये है कि भाई फुल फॉर्म तो आपको सभी को पता है ना, हो जाए यार, हाँ, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये दो स्टेट्स में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, ऑपरेट करता है ये बेसिकली। इसके अंडर में टोटल 67 कोल माइंस हैं, ठीक है, जिसमें से कि 41 कोल माइंस जो है तो छत्तीसगढ़ में है और 26 कोल माइंस जो है तो मध्य प्रदेश में है। अंडरग्राउंड की बात करें तो 46 अंडरग्राउंड कोल माइंस हैं और 21 जो है तो ओपन कास्ट कोल माइंस हैं इसके पास। ये तीन ग्रुप्स में इसको बेसिकली SECL ने अपने ऑपरेटिंग एरियाज को तीन ग्रुप में डिवाइड किया है, सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड, कोरबा कोल फील्ड एंड मांड रायगढ़ कोल फील्ड, जिसमें कि आपका सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड्स में आता है चिरमिरी एरिया, बैकुंठपुर एरिया, विश्रामपुर एरिया, हसदेव, भटगांव, जमुना एंड कतमा, सोहागपुर एंड जोहिला। वहीं पे कोरबा कोल फील्ड्स में कोरबा, कुसमुंडा, दीपका एंड गेवरा एरिया आते हैं। मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स में रायगढ़ एरिया है आपका, ठीक है। तो ये तीन कोल फील्ड्स हैं इसकी, इन तीन पार्ट्स में जो है तो ये ऑपरेटिंग एरियाज, अलग अलग एरियाज इसके आ जाते हैं, ठीक है। आपका कोल कार्बोनाइजेशन प्लांट है इसके पास, जो कि इसके अंडर में ऑपरेट करता है बेसिकली, दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स इसका मालिक ये बन के बैठा हुआ है ना, वेस्ट बंगाल में ये है। इसके जो चेयरमैन CMD है वो है PS मिश्रा और इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर में, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है MCL का आपका, ऑलरेडी मैंने वो पढ़ा दिया है, क्या बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट। तो ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप चाहे तो मतलब क्या कर सकते हैं, आप प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं, अपने पास सेपरेट रख सकते हैं, ठीक है। मैं प्रोवाइड कराऊंगा प्रिंटआउट निकलवाने के लिए PDF, टेंशन ना लें। CIL अवेयरनेस के जितने भी प्रिंटआउट PDF हैं वो सारे के सारे प्रिंटआउट के लिए आपको अवेलेबल रहेंगे, प्रॉमिस है यार।
एमसीक्यूज का भी दूंगा, माइंडसेक के एमसीक्यूज के प्रिंटआउट, जिन्होंने नहीं लिखा है वो एमसीक्यूज का प्रिंटआउट निकलवा के अपना काम चला सकते हैं। अगला है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आपके सीएमडी है मनोज कुमार, ठीक है, और ये जो है तो दो स्टेट्स में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। इसके अंडर में जो माइनिंग एरियाज है, टोटल 10 माइनिंग एरियाज है। मध्य प्रदेश में है पेंच, कान्हान और पाथाखेड़ा एरिया। महाराष्ट्र में है नागपुर, उमरेर, माजरी, वानी, नवानी नॉर्थ, चंद्रपुर एंड बल्लारपुर, ठीक है। तो ये इसके ऑपरेटिंग एरियाज हैं। तो दो स्टेट्स में है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तीन मध्य प्रदेश में है और आपके सात जो है तो महाराष्ट्र में है ऑपरेटिंग एरियाज, ठीक है आपका। मैं वैसे पाथाखेड़ा में ट्रेनिंग किया था, मध्य प्रदेश में पाथाखेड़ा एरिया में, छतरपुर वन में, ठीक है। नंबर ऑफ माइंस, अब नंबर ऑफ माइंस की बात करें तो अंडरग्राउंड में टोटल 29 माइंस हैं, ओपन कास्ट में टोटल 43 माइंस हैं, एंड इसके पास टोटल दो मिक्स्ड माइंस हैं, और टोटल इस हिसाब से जो है तो इसके पास 74 माइंस जो है तो इसके पास करंट में हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीसीसीएल। बीसीसीएल में का फुल फॉर्म है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ये बना था जनवरी 1972 में, ठीक है। बेसिकली इसको बनाया गया था कोकिंग कोल माइंस के लिए, जिसमें कि 214 माइंस थी इसके अंडर में, ठीक है, जो कि झरिया और रानीगंज कोल फील्ड्स में थी। उसके बाद 16 अक्टूबर 1971 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर में ले लिया, है ना, और कोकिंग कोल को जो है तो अपना एक कंट्री का रिसोर्स बना लिया, ठीक है। करेंटली कंपनी में 36 कोल माइंस हैं, है ना, जिसमें से कि 11 अंडरग्राउंड है, 16 ओपन कास्ट है और 9 मिक्स्ड माइंस हैं। कंपनी जो है तो वॉशरीज भी रन करती है, चार बेसिकली 8 कोल वॉशरीज हैं इसके पास और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन कोल वॉशरीज हैं। माइंस में तीन एरियाज हैं, मतलब इसके माइंस को तीन एरियाज में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि वॉशरीज को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है धनबाद में। सीएमडी है इसके समीरन दत्ता। ये जो है तो झारखंड और वेस्ट बंगाल दो स्टेट्स में ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग एरियाज इसके हैं बरोरा एरिया, ब्लॉक 2 एरिया, गोविंदपुर एरिया, कतरास, सिजुआ, कुसुंडा एंड दूधकी बलिहारी, बस्ता कोल्ला, लोडमा, ईस्टर्न झरिया, चांस विक्टोरिया एंड ये चांस विक्टोरिया बेसिकली आपका किसका है, ये आपका वॉशरी का है, कोल वॉशरी में आ जाता है चांस विक्टोरिया एंड आपका वेस्टर्न झरिया। चांस विक्टोरिया में जो वॉशरी है वो इंडिया की पहली वॉशरी है, ठीक है, जो कि पहली बार इंडिया में जो वॉशरी बनी थी वो चांस विक्टोरिया है। लोधना लोधमा, अब मुझे ये बेसिकली उसके वेबसाइट से मिला है बीसीसीएल के, अब उसने मिस्टेक की हो तो नहीं पता, है ना। ईसीएल आपका ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, फॉर्मेशन हुआ है सन 1975 में, हेडक्वार्टर है सैंक्टोरिया वेस्ट बंगाल। ऑपरेशनल एरियाज टोटल 14 हैं, बंकोला, कजोरा, झांझरा, केंडा, मुगमा, सोदेपुर, एसपी माइंस, कंस्टोरिया, पांडवेश्वर, राजमहल, सलनपुर, सदग्राम, सोनपुर, बाजरी एंड श्रीपुर, ठीक है। मृगेंद्र, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं कि ये आप सुन लीजिए अभी। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए है जो YouTube पे भी देखते हैं या फिर जिनको थोड़ा कभी जरूरत पड़ जाए। हाँ, बट इसका पीडीएफ जब मैं बोल रहा हूँ, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, आप प्रिंटआउट निकलवा लीजिएगा या लिख लीजिएगा जैसे आपकी स्वेच्छा अनुसार है, ठीक है। नंबर ऑफ माइंस इसके अंडर में है ओपन कास्ट की 22 माइंस है, अंडरग्राउंड की 48 माइंस है, मिक्स्ड की 8 है और टोटल 78 माइंस इस प्रकार से इसके पास है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली था हमने क्या क्या देख लिया, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड देख लिया, है ना, दो स्टेट्स में कहाँ कहाँ, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, 67 कोल माइंस, 41 कोल माइंस जो है तो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है एंड 26 आपकी मध्य प्रदेश में है। अंडरग्राउंड कोल माइंस टोटल 26 है इसके पास एंड ओपन कास्ट कोल माइंस 21 है, ठीक है। ये जो है तो तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड, कोरबा कोल फील्ड एंड मांडरायगढ़ कोल फील्ड, ठीक है।
अब सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड्स की अगर हम बात करें तो चिरमिरी, बैकुंठपुर, विश्रामपुर एरिया, हसदेव एरिया, भटगांव एरिया, जमुना एंड कोतमा, सोहागपुर एंड जोहिला एरिया। कोरबा कोल फील्ड्स में आपका कोरबा, कुसमुंडा, दीपका एंड गेवरा एरिया आ जाता है। मान रायगढ़ कोल फील्ड्स में आपका रायगढ़ कोल जो एरिया है वो आता है। इसके पास अपना खुद का एक कोल कार्बोनाइजेशन प्लांट है, दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स वेस्ट बंगाल में है, जो कि इसके चेयरमैन बोले तो सीएमडी हैं पीएस मिश्रा, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर, ठीक है। तो इतनी चीजें इसके बारे में, एसईसीएल के बारे में याद रखना है। अंडरग्राउंड 46 ओपन कास्ट 21 कोल माइंस है, ठीक है। कौन से स्टेट्स में ऑपरेट करता है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेट्स में बेसिकली ये ऑपरेट करता है। तो ये टोटल 2 स्टेट्स में ऑपरेट करता है, ठीक है। ये कितने कोल फील्ड्स में ग्रुप्स में डिवाइडेड है? एसईसीएल आपका 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल, सीआईसी हो गया, कोरबा कोल फील्ड्स हो गया, मानरायगढ़, इतना याद रखना है। आपका एक और क्वेश्चन बनेगा, कोल कार्बोनाइजेशन प्लांट कौन सा है इसके पास, एसईसीएल के पास? तो वो है दानकुली कोल कॉम्प्लेक्स, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। हेडक्वार्टर आपसे अगर नॉर्मल, ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है एसईसीएल का, तो बिलासपुर में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। बाकी ये बीच के जो चीजें हैं, है ना, ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, अगर आप याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, बाकी उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जब पर्टिकुलरली एसईसीएल के लिए करेंगे तब इसको याद करिएगा, अदरवाइज अभी के लिए मत करिएगा। एसईसीएल के लिए जब करिएगा तब इसको याद करना है आपको पर्टिकुलरली, ठीक है, ये सारे एरियाज आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं डब्ल्यूसीएल का। तो डब्ल्यूसीएल का जैसे कि मैंने बताया, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड फुल फॉर्म है इसका। इसके चेयर सीएमडी कौन है? मनोज कुमार। ये जो है तो 2 स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में है। नागपुर इसका हेडक्वार्टर है। सन 1975 में इसका गठन किया गया था। टोटल 10 माइनिंग एरियाज हैं, जिसमें से कि मध्य प्रदेश में, पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, सुन लो अभी के लिए, आप थोड़ा लेक्चर पे कंसंट्रेट करिए। ऑपरेटिंग माइनिंग एरियाज कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है पेंच, कान्हान एंड पाथाखेड़ा। महाराष्ट्र में नागपुर। महाराष्ट्र में कौन कौन से ऑपरेटिंग एरियाज हैं? उमरेर, नागपुर, माजरी, वानी, वानी नॉर्थ, चंद्रपुर एंड बल्लारपुर, ठीक है। नंबर ऑफ माइंस अंडरग्राउंड में 29 हैं, ओपन कास्ट 43, ठीक है, एंड मिक्स्ड माइंस टोटल है 2, और टोटल आपकी 74 माइंस हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूसीएल में टोटल 74 माइंस है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? पहला तो अंडरग्राउंड माइंस कितनी, ओपन कास्ट मिक्स कितनी, टोटल भी अगर याद रख लेते हैं तो अच्छी बात है, 74 है, ठीक है। ये भी उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन आपका माइनिंग एरियाज आपको जो है तो याद रखना चाहिए, ठीक है। माइनिंग एरियाज आपको याद होना चाहिए कि कितने माइनिंग एरियाज हैं, और इसका हेडक्वार्टर और सीएमडी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई कौन कौन से स्टेट में यह काम करता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है। सही बात है। बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसका गठन कब किया गया था? जनवरी 1972 में किया गया था, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था? जनवरी 1972 में किया गया था, कोकिंग कोल माइंस के ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है, देखो क्वेश्चन अब क्या पूछेगा कि विच सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया, क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा। विच सब्सिडियरी सब्सिडियरी ऑफ सीआईएल वॉज फॉर्म्ड फॉर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कोकिंग कोल? कोकिंग कोल को ऑपरेट करने के लिए सीआईएल के द्वारा किस सब्सिडरी का गठन किया गया था? तो बीसीसीएल का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कंपनी के अंडर में टोटल 36 कोल माइंस है, जिसमें से कि 11 अंडरग्राउंड है, 16 ओपन कास्ट है और 9 मिक्स्ड माइंस। कंपनी के अंडर में 8 कोल वॉशरीज हैं और 4 नई कोल वॉशरीज अभी बन रही हैं।
13 एरियाज में इसको डिवाइडेड किया गया है, ठीक है, जिसमें से कि वॉशरी भी डिवाइडेड है, इन्हीं एरियाज में इंक्लूड है वॉशरी भी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? धनबाद में है, और इसके सीएमडी कौन है? समरन दत्ता है, ठीक है। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो है तो ऑपरेटेड होता है, ऑपरेटेड है, ठीक है, दो स्टेट्स में। जो इसके ऑपरेटिंग एरियाज हैं, बरोरा एरिया हो गया, ब्लॉक टू एरिया हो गया, गोविंदपुर हो गया, कतरास हो गया, सीजुआ, कुसुंडा, दूधकी, बलिहारी एंड बास्ताकोला एंड लोधमा, ईस्टर्न झरिया एंड आपका चांस विक्टोरिया एंड आपका वेस्टर्न झरिया। चांस विक्टोरिया बेसिकली वॉशरी के लिए है। इंडिया का सबसे पहला वॉशरी चांस विक्टोरिया में ही था, ठीक है, पहला वॉशरी वहीं बना था। ईस्टर्न कोल फील्ड्स की अगर हम बात करें, ECL की, तो इसका गठन किया गया था सन 1975 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका है सेंक्टोरिया वेस्ट बंगाल। जो इसके ऑपरेटिंग एरियाज हैं, 14 ऑपरेटिंग एरियाज हैं, ठीक है, बंकोला, कजोरा, झांझरा, केंडा, मुगमा, सुदेपुर, एसपी माइंस, कॉन्स्टोरिया एंड पांडवेश्वर, राजमहल एंड आपका सलानपुर, सतग्राम, सोनपुर, बाजरी एंड श्रीपुर। नंबर ऑफ माइंस जो इसके पास है, 22 ओपन कास्ट हैं, 48 अंडरग्राउंड हैं एंड 8 मिक्स हैं, और टोटल 78 माइंस हैं। तो यहां से ये चीजें याद रखना है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑपरेशनल एरियाज कितने हैं, और इसका गठन कब किया गया था, ठीक है। इसके सीएमडी का नाम नहीं लिखा मैं, ओहो भूल गया क्या? ECL, चलिए सीएमडी का नाम मैं इंक्लूड कर दूंगा इसके, है ना, भूल गया, ध्यान से उतर गया, सीएमडी का नाम इंक्लूड करना, तो सीएमडी का नाम मैं इंक्लूड करके पीडीएफ में आपका दे दूंगा, ठीक है। MCL, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, 1 मई 1943 में इसका गठन किया गया था, ठीक है, और सीएमडी, एक सेकेंड, बस 2 सेकेंड को, नहीं जी, सीएमडी ऑफ ECL 2022, एपी पांडा, अंबिका प्रसाद पांडा इसके सीएमडी हैं ECL के, ठीक है। MCL, चलिए MCL के बारे में वापस से आइए, हो गया एपी पांडा जी, हो गए अंबिका प्रसाद पांडा, ठीक है, आगे है MCL। MCL जो है तो सबसे पहले जो कोल इंडिया बना था उस समय कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1973 को, नॉन कोकिंग कोल माइंस के लिए। उसके बाद MCL का फॉर्मेशन हुआ है सन 1992 को, ठीक है, 1992 को एपी पांडु। सीएमडी इसके हैं ओपी सिंह, ठीक है, मिस्टर ओपी सिंह इसके सीएमडी हैं। हेडक्वार्टर इसका है संबलपुर ओडिशा में। MCL को मिनी रत्न का स्टेटस 3 दिसंबर 2019 को मिला था। तालचेर कोल फील्ड्स और आईवी वैली कोल फील्ड्स में इसको डिवाइड किया गया है। जगन्नाथ एरिया, भरतपुर एरिया, हिंगुला एरिया, लिंगराजा एरिया, कन्हा एरिया, सुभद्रा, तालचेर, भुवनेश्वर एंड, है ना, तो इतने एरियाज जो है तो कहाँ पर आते हैं? तालचेर कोल फील्ड्स में आते हैं। दूसरा जो कोल फील्ड है आपका वो है आईबी वैली कोल फील्ड। आईबी वैली एरिया, ओरिएंट, वसुंधरा, लखनपुर एंड महालक्ष्मी। तालचेर कोल फील्ड्स में टोटल 2 अंडरग्राउंड माइंस हैं और 8 ओपन कास्ट हैं, और आईबी वैली में 4 अंडरग्राउंड माइंस हैं एंड 7 ओपन कास्ट है। तो ये आपके भुवनेश्वर, थोड़ा हो जाता है,
ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाते हैं, आपका एमसीएल का पूरा डाटा है कि भाई सीएमडी याद रखना है आपको, फॉर्मेशन कब हुआ, सीएमएएल का फॉर्मेशन याद रखना है कि आखिर कब बनाया गया था, और नॉन कोकिंग कोल माइंस को ऑपरेट करने के लिए किस चीज का गठन किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विच अथॉरिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर ऑपरेटिंग नॉन कोकिंग कोल माइंस, नॉन कोकिंग कोल माइंस को ऑपरेट करने के लिए किस अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया था, तो सीएमएएल का फॉर्मेशन किया गया था, ये क्वेश्चन आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, सन 1973 में, 1 मई 1973 को। नेक्स्ट आता है आपका एनसीएल। एनसीएल के बारे में पहले ही मैं बहुत डिटेल में वहां पर बता चुका हूं, जो आपका क्या कहते हैं एनुअल रिपोर्ट है, तो ज्यादातर अब खैर एग्जाम तो कंप्लीट हो ही गया है, तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो इसमें बस इतना याद रखिए कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड आपका इसका फुल फॉर्म होता है, सिंगरौली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और इसके इसका फॉर्मेशन जो है तो सन 1985 में किया गया था। नंबर ऑफ माइंस जो इसमें है 10 ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 4 कंप्लीटेड है, 6 और ऑनगोइंग है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश में ऑपरेट होता है, मध्य प्रदेश में ऑपरेट होता है, ठीक है, और कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड सीएमएएल लिखा हुआ है, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, इसके जो सीएमडी हैं भोला सिंह है, मिस्टर भोला सिंह इज द सीएमडी, ठीक है, इसके पास सारी की सारी ओपन कास्ट माइंस ही हैं। अगला है सीसीएल, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर रांची झारखंड में, सीएमडी है इसके पीएम प्रसाद, नंबर ऑफ माइंस इसके अंडर में जो है 43 ऑपरेटिव माइंस है, 5 अंडरग्राउंड, 38 ओपन कास्ट माइंस है यार इसके पास, बाप रे, तो इसके तो मतलब निकालना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड वालों के लिए यार, है ना, 5 वॉशरीज, 4 कोकिंग कोल वॉशरी है और एक नॉन कोकिंग कोल वॉशरी है, ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 कोल फील्ड्स में टोटल इसको डिवाइड किया गया है, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, नॉर्थ करणपुरा, साउथ करणपुरा, रामगढ़, गिरडी एंड हुतर। लास्ट है आपका सी एम पी डी आई, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सीएमडी इसके हैं मनोज कुमार, हेडक्वार्टर है इसका रांची, मिनी रत्न स्टेटस इसको जो है तो मई 2009 में मिला, फॉर्मेशन इसका कब हुआ 1975 में, 7 रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं इसके, मतलब कि 7 सीपीडीआई का बेसिकली काम क्या होता है, एक ये एक टाइप की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी चीजें अप्लाई की जाती हैं, बोला जाता है कि माइंस में आप इन चीजों को अप्लाई करिए या माइंस की डिजाइनिंग इस तरीके से की जानी चाहिए, तो ये सारी चीजें देख रेख करने का काम होता है सीएमपीडीआई का, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसने अपने इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च के 7 अलग अलग जगह पे भी खोल के रखे हैं, मतलब कि हेडक्वार्टर तो है ही रांची में, इसके अलावा 7 अलग अलग जगह पे खोल के रखे, कहाँ कहाँ पर, आसनसोल, धनबाद, रांची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली एंड भुवनेश्वर, तो इन जगहों पे सीएमपीडीआई ने अपने क्या खोल के रखे हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट खोल के रखे हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, एक्सप्लोरेशन का भी काम करता है, ठीक है, अब ये आपका कुछ मिनी रत्न स्टेटस वाले जो हैं, जिनको जिनको मिनी रत्न स्टेटस आज तक मिल चुका है, उन सभी की लिस्ट है ना, मिनी रत्न हो गए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 के मिनी रत्न स्टेटस, नवरत्न वाले भी हैं और महारत्न वाले हैं, तो इनको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार रीड जरूर करिएगा, ठीक है,
कि आपका जो भेल है, सबसे पहले नवरत्न महारत्न, इस भेल को महारत्न स्टेटस मिला है, कोल इंडिया को महारत्न स्टेटस मिला है। ठीक है, अगर कोल इंडिया का पूछा जाए कि क्या कोल इंडिया को इनमें से कौन से स्टेटस दिया गया है, महारत्न, नवरत्न या फिर मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया है, तो कोल इंडिया को मिनी महारत्न का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, ये भी है। एनटीपीसी अपन खुद एक महारत्न स्टेट है ना। सेल हो गया, ये भी एक महारत्न कंपनी है। मिनी रत्न में, रत्न में आपका आ जाता है, नवरत्न में हमारा एक भी कोल इंडिया का सब्सिडरी नहीं है। ठीक है, मिनी रत्न में आपका आ जाता है कौन कौन सा, आपका एक तो एमसीएल हो ही गया, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, और बाकी एक बार देख लेना यार, जितनों का महारत्न था उनके में मैं वहां पर लिख दिया हूँ आपको, तो आपका यहाँ पर भी पीडीएफ में भी यहाँ पे महारत्न स्टेटस किसको, सॉरी मिनी रत्न स्टेटस किसको किसको दिया गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जो है तो कहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, अब बात आती है इसके पीडीएफ की। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार बच्चे मुझसे मांगते हैं, मुझे बार बार लैपटॉप खोलना पड़ता है, इसलिए आपका अब टेलीग्राम, जो भी पीडीएफ जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल पे जाएगा। आकाश सर जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो आकाश सर से डिटेल्स ले लें, आपके सारे के सारे पीडीएफ, सभी फैकल्टीज की पीडीएफ अब टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल रहेगी। तो लिंक ले लें, कैसे भी करें ज्वाइन, जल्दी से ज्वाइन करें। आकाश सर से अभी एक बार मैं बोल दूंगा, लिंक शेयर कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे ज्वाइन करिए ग्रुप को, और जितने भी पीडीएफ हैं, जो भी पीडीएफ होगा वहीं पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मिनी रत्न है एमसीएल, एमसीएल मिनी रत्न है। ठीक है, ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया एमसीएल भाई, ये देखो एमसीएल गॉट मिनी रत्न स्टेटस ऑन 3 दिसंबर 2019। ठीक है, एमसीएल एक मिनी रत्न है। हाँ, तो इंस्टॉल कर लो यार, कितना टाइम लगना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब हमें जो है तो क्या करना है, अगला लेक्चर होगा मंडे को, जिसमें कि हम केस स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जितने भी एक्सीडेंट्स हुए उन सभी की केस स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल करवा दूंगा जय, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का डिटेल पीडीएफ। ठीक है, मैं फोटो खींच लेता हूँ तो याद रहेगा मेरे को। हाँ।